मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश आज़ाद हुआ था और 1907 टाटा स्टील का जन्म हुआ था। और उस समय जन्म हुआ था जिस समय देश गुलामी की ओर था और टाटा साहब ने वह पेड़ लगाया जिससे आज उसका ब्रिक्स जीडीपी में स्टील उद्योग का योगदान बहुत बड़ा है। और अगर उस स्टील इंडस्ट्री में अगर हम इंटर करते हैं तो इस स्टील इंडस्ट्री को बनाने के लिए, सजाने के लिए कर्मचारी और अधिकारी की ज़रूरत पड़ती है और वह रॉ मटेरियल टाटा वर्कर्स यूनियन भी कुछ तो सप्लाई करता है। वह मैन, वह कर्मचारी जिनको यह संदेश हर समय टाटा वर्कर्स यूनियन देता है कि पहले कंपनी को बचाना है, कंपनी का वह हर पॉलिसी को साथ देना है कि अगर कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो कर्मचारी का वेतन नहीं मिलेगा और यह वेतन जो मिलता है उससे उनका परिवार तो चलता ही है और उसके बाद यह शहर की अर्थव्यवस्था भी चलता है। चाहे वह सब्जी वाला का ठेला हो, चाहे वह दूध का दुकान हो, चाहे ड्राइवर का पेमेंट हो और चाहे मेडिकल में डॉक्टर का पेमेंट हो, तो यह भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाने में टाटा स्टील और टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है और उस ग्रुप में उस कर्मचारी का योगदान। इसी विषय में आज अध्यक्ष जी और उसके साथ पूरे कमेटी मेंबर से इसी विषय में बात करते हैं कि हमारे जो 15 अगस्त में सभी लोगों को, सभी राष्ट्र को, सभी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले 15 अगस्त जो 77वां होगा, हमारे तरफ से, टाटा वर्कर्स यूनियन के तरफ से, हमारे कर्मचारी बंधु, मजदूर भाई जो खून पसीना बहाते हैं और स्टील बनाते हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। साथ में टाटा स्टील के अधिकारियों को भी शुभकामना। हमारे शहरवासी, जमशेदपुर वासी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनको शुभकामना और पूरे राष्ट्र के वासी को शुभकामना। सही बात है कि टाटा स्टील, टाटा वर्कर्स यूनियन शुरू से आगे सोची है। जैसे आप सबको मालूम होगा कि आज़ाद देश आज़ाद होने के पहले यहाँ पर 8 आवर्स ड्यूटी, पीएफ, ग्रेचुटी, बहुत सारे जो है यूनियन मैनेजमेंट पहले की थी, देन देश आज़ाद हुआ, देन एक्ट में आया। और हमारे यूनियन के भी जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी रहे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, बारी साहब, माइकल जॉन, और हमारे त्रेता सिंह वाइस प्रेसिडेंट थे, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनकी जान भी गई है जेल में भूख हड़ताल करते हुए। तो हम लोग उस यूनियन से बिलोंग करते हैं, यूनियन की नींव बहुत मजबूत है, टाटा स्टील कंपनी का नींव बहुत मजबूत है। और बोलते हैं कि देश की आर्थिक आज़ादी स्टील बनाने से आई थी, चूँकि उस समय कांटे भी बनाने वाली कोई कंपनी नहीं थी, तो टाटा स्टील ने स्टील बनाया और आर्थिक आज़ादी दिलाई। अब अग्रसर यूनियन मैनेजमेंट मिल के चल रहे हैं कि अब हम लोग 50 साल 60 साल बाद इन्वायरमेंट के लिए क्या दे के जा रहे हैं, आगे जनरेशन को इन्वायरमेंट कैसा दे रहे हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कोविड में कि ऑक्सीजन का कितना किल्लत, तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग वन लगा रहे हैं। और भी हम लोग नया नया चीज एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है कि हाइड्रोजन से यूज करके कैसे स्टील बनेगा, स्क्रैप से कैसे बनेगा, धीरे धीरे अग्रसर प्रक्रिया में अग्रसर है। आज ही के दिन जैसे कंपनी CSR मैंडेटरी है कि प्रॉफिट का 2% समाज में खर्चा करती है, चूँकि जहां आप माइन से ओर निकाल रहे हैं, जहां आप स्टील इंडस्ट्री लगाए हैं, तो सामाजिक जिम्मेवारी भी कंपनी की है और यूनियन की है। तो आज के ही दिन हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो CSR कंपनी करती थी, तो वॉलंटियरिज्म मतलब ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वो जो सेवा दे रहा है, कहीं ना कहीं सेवा दे रहा है, वो अपने पॉकेट से, पैसा से, या वो पढ़ा के दे रहा है, समय दे के दे रहा है, तो वो आज एक ऐप्स लॉन्च हुआ है जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और मैं और हमारे यूनियन के अधिकारीगण और मैनेजमेंट के अधिकारीगण थे, और वो पोर्टल एक ऐप्स के तरह लॉन्च हुआ है जिसमें हमारे एम्प्लॉई सब जुड़ेंगे। उसमें दिया रहेगा कि आपका इंटरेस्ट किस ओर है,
पेड़ लगाने में है कि गरीब बच्चों को पढ़ाने में है या क्या, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। तो अब क्या है कि एक नया चीज़ जमशेदपुर में होने वाला है कि टाटा स्टील के एम्प्लाई वॉलंटियरिज्म करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो हम लोग अग्रणी थे, अग्रणी रहेंगे। अगेन फिर से सबको शुभकामना, और आगे आने वाला जनरेशन के लिए हम लोग कुछ करना है, जो हम लोग एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। आप सब भी चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग अच्छा चीज़ को और अच्छा करके बताते हैं तो लोगों का जुड़ाव बढ़ने लगता है। तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा विजन, इतना अच्छा सोच, क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व के जितने भी इंडस्ट्री है, नॉट फॉर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, बाकी सभी इंडस्ट्री को? हम सबसे पहले तो 77वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासी को, खास करके हमारे टाटा स्टील से जुड़े हुए सभी लोगों को, शहर के सभी लोगों को अपने तरफ से शुभकामना देना चाहेंगे। जैसे हमारे अध्यक्ष ने कहे कि टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन दूरगामी अपना लक्ष्य देखती है कि आने वाले 100 साल कैसे हम सस्टेनेबल हो, कैसे हम अच्छा ये करें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और एम्प्लॉय के लिए। उसी तहत जो है, जिस तरह से कहें कि जमशेदपुर ग्रीन सिटी क्लीन सिटी है, हम लोग चाहते हैं कि जमशेदपुर और ग्रोथ करे और ऐसा ग्रीनरीज हो कि हम लोग ऊपर से भी देखें तो स्टील दिखाई नहीं दे, कंपनी नहीं दिखाई दे, कम से कम पेड़ पौधा दिखाई दे। एक ऐसा वातावरण हम लोग पैदा करें कि जो लोग बोले कि 100 साल और हमारा जमशेदपुर कैसे तरक्की करे, इस ओर हम लोग सोच रहे हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन सोच रही है, हमारे मैनेजमेंट सोच रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो जनरेशन जो आएंगे, हमारे बाद जो जनरेशन आएंगे, हमने टाटा स्टील में तीसरा चौथा जनरेशन हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग देखे हैं कि आने वाले दिन में वो लोग क्या हमको देखे गए हैं और हमें क्या देना है, इस पर हम लोग को बहुत गहन चिंतन करना होगा और विचार करना होगा कि ये शहर एक ऐसा पूरे हिंदुस्तान में एक शहर हो जो कि नक्शे पर इसको पहचाना जाए। और आज भी लोग जमशेदपुर को पहचानते हैं, हमें विश्वास है कि हमारे बाल बच्चा या उसके बाल बच्चा जो भी आए इस वातावरण में रहे, ताकि आने वाले दिन में किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं हो। आपको मालूम है कि 2020 और 21 में किस तरह से कोविड में हम लोग ग्रसित थे, उसमें भी टाटा वर्कर्स यूनियन और मैनेजमेंट ने बढ़ चढ़ कर काम किया, लोगों को बचाने का काम किया, लोगों को ऑक्सीजन देने का काम किया, लोगों को दवाई देने का काम किया। यही यूनियन है, यही हमारे मैनेजमेंट है, हम लोग दोनों मिल के काम किए हैं, और आगे भी हमें विश्वास है कि जो भी आपदा आएगी, हम लोग टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटा के मैनेजमेंट के लोग हम लोग मिल के काम करेंगे और हमारे जनरेशन को एक ऐसा वातावरण छोड़ के जाएंगे जो कि उनका भी और 100 साल और आगे तरक्की हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप विदेश जाएंगे, पेरिस जाएंगे, लंदन जाएंगे, जापान जाएंगे, तो आपको बड़े बड़े बिल्डिंग जरूर मिलेंगे, फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन इतना अधिक पेड़ पौधा हमें नहीं लगता है कि कोई विश्व के कोई सिटी में है। और इस सिटी को बनाने में टाटा स्टील और इस टाटा परिवार का योगदान हर समय रहेगा। जो हम लोग स्वर्ण काल मना रहे हैं आज़ादी का, और इसके बाद एक मिशन को हम लोग लेके चले कि कैसे करके हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके। एडी लाइव का वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जय हिंद।